चैप्टर थर्ड प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। इसके पहले जो है कि इकोनॉमी जो थी इंडियन इकोनॉमी की अगर बात करें तो आज़ादी के बाद या जब ब्रिटिशर्स चले गए उसके बाद जो है इकोनॉमी को सबसे पहले तो जो था कि उस टाइम पर अपने प्राइवेट सेक्टर में उतनी ज़्यादा बड़े ग्रुप्स नहीं हुआ करते थे या उतना ज़्यादा पैसा लगाना इंडियन इकोनॉमी में शायद आउटसाइडर्स जो थे वो पसंद नहीं करते थे। तो इसलिए वहाँ पर जरूरत ये थी कि जो पब्लिक सेक्टर है वो अपना रोल प्ले करे। हम इकोनॉमी को दो पार्ट में बांट सकते हैं कि एक पब्लिक सेक्टर होता है और एक प्राइवेट सेक्टर होता है। प्राइवेट सेक्टर के हमने सारे फॉर्म्स पढ़ रखे हैं जिसमें सोल प्रोप्रेटरशिप आता है, पार्टनरशिप आता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज आती है, कंपनीज आती है। तो प्राइवेट सेक्टर में वहाँ पर इतने ज़्यादा पैसा लगाने के लिए उनके पास नहीं हुआ करता था, बिल्डा टाटा दो तीन ग्रुप ही हुआ करते थे और वो पूरा अपने लेवल पे इकोनॉमी को डेवलप नहीं कर सकते थे। तो वहाँ पर गवर्नमेंट को जरूरत महसूस हुई कि सबसे पहले जो है वो पब्लिक सेक्टर जो है वो पब्लिक सेक्टर रोल प्ले करे और इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए काम करे। तो वहाँ पर जो है 1947 से लेकर 1991 तक जो था वो गवर्नमेंट ने अपना मेन रोल प्ले करा है और उसके लिए गवर्नमेंट ने ऐसे भी सेक्टर्स थे जहाँ पर पैसा काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट था, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की जाए तो वहाँ पर पैसा का डेवलपमेंट पैसा का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा था मगर रिटर्न जो था वो काफ़ी समय के बाद मिलता। तो इसलिए उस जगह पर पब्लिक सेक्टर ने अपना रोल प्ले करा। बाद में जब 1991 के बाद चेंजेस आए कि नई इकोनॉमिक पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया 1991 में और उसके बाद जो है वो नई इकोनॉमी के पॉलिसी के कारण जो है प्राइवेट सेक्टर के पास ज़्यादा पावर्स आई और पब्लिक सेक्टर का रोल जो था वो कम हो गया। वरना पहले जो हुआ करता था कि पब्लिक सेक्टर के लिए 17 इंडस्ट्रीज़ को रिजर्व किया गया था, तो बाद में 1991 की पॉलिसी के बाद इंडस्ट्रीज़ को कम किया गया और उसके कारण जो है वो प्राइवेट सेक्टर की पावर बढ़ी है। मगर उसके पहले जो था वो पब्लिक सेक्टर की बात करें तो हम अगर इंडिया में बात करें तो पब्लिक सेक्टर के या आपके सिलेबस के हिसाब से देखा जाए तो पब्लिक सेक्टर के तीन पार्ट दे रखे हैं। एक होता है डिपार्टमेंटल टेकिंग, दूसरा होता है पब्लिक कॉर्पोरेशन और तीसरा जो होता है वो गवर्नमेंट कंपनीज होती है। अब अगर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की बात करें तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होता क्या है, जैसे अब इसका एग्जांपल जो ले सकते हैं कि रेलवे की अगर बात करें तो रेलवे जो है वो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग में आता है। ऐसा डिपार्टमेंट जो पूरी तरीके से गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो, जिसका रेवेन्यू पूरा गवर्नमेंट को मिलता हो और जिसके फाइनेंस वगैरह जो है वो पूरा का पूरा कंट्रोल जो होगा रेवेन्यू का, फाइनेंस का, उसके डेवलपमेंट का, वो पूरा कंट्रोल जो होगा उसका मिनिस्ट्री देखती है। जैसे रेलवे के लिए एक मिनिस्ट्री है और उसके जो मिनिस्टर होंगे वो उसको पूरा कंट्रोल करते हैं, तो ये डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग कहलाता है जिसका पूरा कंट्रोल जो होगा वो किसी भी एक मिनिस्टर के पास होगा। सारे रेलवे के जो भी एम्प्लॉयज होंगे वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, उनको सारी रिपोर्ट जो है वो अपने सीनियर्स को देनी पड़ेगी और सीनियर्स जो होंगे वो रेलवे को मिनिस्टर को ये इन्फॉर्मेशन देंगे और जो सीनियर जो मिनिस्टर होगा रेलवे का वो आंसरेबिलिटी उसकी जो बनेगी वो पार्लियामेंट में बनेगी। तो ये डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग कहलाती है। अब डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग के फीचर्स क्या है तो उसमें पहला आता है ऑपरेट अंडर द कंट्रोल ऑफ मिनिस्टर। अभी मैंने कहा था कि पूरा का पूरा कंट्रोल जो होगा वो एक मिनिस्टर के पास होगा, मतलब रेलवे मिनिस्टर अगर है तो उसका पूरा जो है वो कंट्रोल रेलवे मिनिस्टर के पास होगा, यानी पूरा कंट्रोल रेलवे मिनिस्टर करेगा। दूसरा पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ओनली देयर इज नो सेपरेट एंटिटी। जैसे हमको जैसे रेलवे सुनने में आता है हमको पता रहता है कि ये जो है वो गवर्नमेंट का पार्ट है, इसकी खुद के सेपरेट एंटिटी नहीं है। जैसे अगर हम बात करें ONGC की या गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड की तो हमको मालूम है कि वो अपने आप में एक अलग कंपनी है, लेकिन जब हम अगर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की बात करते हैं तो वहां पर हमको पता है कि इसकी सेपरेट एंटिटी नहीं है, ये जो है वो गवर्नमेंट का ही पार्ट है। थर्ड आता है फाइनेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। अभी मैंने कहा था कि जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है, जैसे रेलवे ने अगर कोई भी रेवेन्यू जनरेट करा है तो वो सारा का सारा पैसा जो वो गवर्नमेंट के पास जाएगा और अगर रेलवे के एक्सपांशन के लिए, आगे बढ़ाने के लिए या डेवलपमेंट के लिए पैसों की जरूरत होगी रेलवे को तो वो पैसा जो आएगा वो गवर्नमेंट से आएगा। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है रेवेन्यू डिपॉजिटेड इन द ट्रेजरी ऑफ गवर्नमेंट। रेलवे जितना भी पैसा कमा रही है सारा का सारा पैसा जो होगा वो सारा का सारा जो होगा वो गवर्नमेंट के पास जाएगा, वो पूरा पैसा गवर्नमेंट के ट्रेजरी में जमा होता है। इसके बाद आता है मेरिट्स। अगर हम मेरिट्स की बात करें तो उसमें पहला आता है इजी फॉर्मेशन, पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट अपने लिए एक सेपरेट मिनिस्ट्री डेवलप कर लेती है और एक अलग से डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग डेवलप करेगी, तो इसका फॉर्मेशन जो करना होता है वो आसान होता है उसके लिए उतनी ज़्यादा, क्योंकि गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट इसको फॉलो कर रही बनाती है तो उनके लिए इसका फॉर्मेशन करना इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। कंट्रोल जो होगा वो इफेक्टिव कंट्रोल होगा क्योंकि गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है, गवर्नमेंट
इस पे जो ऑफिसर्स रहेंगे, रेलवे मिनिस्टर कंट्रोल करेगा ऑफिसर्स को, और ऑफिसर जो है वो नीचे के एम्प्लॉयज को कंट्रोल करेंगे। तो यहाँ पर कंट्रोल जो रहेगा वो इफेक्टिव रहेगा, क्योंकि यहाँ पर रेलवे मिनिस्टर की भी आंसरेबिलिटी बनती है, और वो आंसरेबिलिटी बनेगी पार्लियामेंट में, तो इसलिए यहाँ पर इसका कंट्रोल जो होगा वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। सीक्रेसी ज्यादा होती है, ये एक पॉइंट उसमें भी है कि डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग में सुटेबिलिटी कहाँ पर होती है, तो ज्यादातर सुटेबल वहां पर होता है जहां पर आपको सीक्रेसी की जरूरत हो, मतलब आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो लीक ना हो। अगर आपकी इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है, तो यहाँ पर ये रहेगा कि ये क्योंकि गवर्नमेंट के मैटर से इसलिए इतनी ज्यादा इसमें लीक होने की, इंफॉर्मेशन लीक होने के चांसेस नहीं होते, काफी सारी इंफॉर्मेशन जो रहेगी वो सीक्रेट रहेगी। फोर्थ पॉइंट आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। अगर हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड की बात करें तो यहाँ पर जो रहेगा, क्योंकि अगर आपको पैसा चाहिए आपको गवर्नमेंट रेलवे का डेवलपमेंट करना है, तो रेलवे के डेवलपमेंट के लिए आपको पैसा लेना पड़ेगा, आपको डायरेक्ट खुद अपना पैसा यूज नहीं कर सकते, आपको रेलवे से मिनिस्टर जो होंगे उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी और उसके बाद अप्रूवल होगा। तो यहाँ पर जो भी पैसा आ रहा है वो गवर्नमेंट से अप्रूव होकर आ रहा है, इसलिए यहाँ पर इसमें कहीं पर भी आपके पैसे का मिसयूज होने के चांसेस जो होते हैं वो काफी कम होते हैं, क्योंकि आपकी आंसरेबिलिटी जो होगी वो रेलवे मिनिस्टर को बनेगी, और रेलवे मिनिस्टर की आंसरेबिलिटी जो होगी वो पार्लियामेंट को बनती है, इसलिए यहाँ पर फंड का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा, कभी भी वेस्टेज नहीं होगा। एक पॉइंट होता है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी अभी मैंने कहा था, अकाउंटेबिलिटी का वैसे देखा जाए कि ये जो होता है वो आंसरेबिलिटी होती है, कि आपकी आंसरेबिलिटी किसकी तरफ है। तो अगर हम बात करें रेलवे की, तो रेलवे की आंसरेबिलिटी जो होगी वो किसकी तरफ होगी, रेलवे के सारे ऑफिसर की आंसरेबिलिटी जो होगी वो मिनिस्टर के लिए होगी, रेलवे मिनिस्टर के लिए, और रेलवे मिनिस्टर की जो आंसरेबिलिटी बनेगी वो पार्लियामेंट को बनेगी। तो एक तरीके से इनडायरेक्टली जो भी ऑफिसर्स काम कर रहे हैं वो गवर्नमेंट के लिए कर रहे हैं, और गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक के द्वारा बनाई गई है, इसलिए यहाँ पर जो आंसरेबिलिटी बनती है इनडायरेक्टली वो आपकी पार्लियामेंट के लिए बनती है, और पार्लियामेंट में जो मेंबर्स होते हैं वो गवर्नमेंट पब्लिक के द्वारा चुने हुए होते हैं, इसलिए इस यहाँ पर आंसरेबिलिटी जो है वो एक तरीके से इनडायरेक्टली पब्लिक के लिए आंसरेबिलिटी बनती है। इसके बाद पब्लिक रेवेन्यू। अभी कहा है कि जितना भी पैसा जनरेट होगा यहाँ पर, जितनी भी इनकम जनरेट होगी वो सारी की सारी जो होगी वो गवर्नमेंट के पास जाएगी, तो एक तरीके से ये जो होता है वो एक पब्लिक रेवेन्यू माना जाता है। इसके बाद आता है आपके डीमेरिट्स क्या है। तो डीमेरिट्स में सबसे पहला आता है कि इनफ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी उतनी नहीं होगी, इनफ्लेक्सिबल होगा, क्योंकि यहाँ पर जैसे हमको पता है कि अगर हमको कोई भी डिसीजन लेना है तो गवर्नमेंट का, अगर कोई भी डिसीजन होगा तो उसका एक प्रोसेस होता है, तो वो प्रोसेस फॉलो करने के लिए आपको काफी सारा लीगल वर्क, काफी सारा आपको पेपर वर्क करना पड़ेगा, और जब तक आप डिसीजन लेने जा रहे हैं हो सकता है कि पहले जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने सोचा कि कोई बदलाव करना है, वो बदलाव के लिए उन्होंने रेलवे मिनिस्टर से परमिशन लेने के लिए अप्लाई करा, रेलवे मिनिस्टर जब तक अप्रूवल देगा तब तक हो सकता है कि वो बदलाव की जरूरत ही खत्म हो जाए, या तब तक कोई बड़ा हादसा हो चुका हो, तो यहाँ पर जो रहता है वो इनफ्लेक्सिबिलिटी रहती है, क्योंकि इतनी जल्दी उसमें चेंजेस नहीं किए जा सकते, क्योंकि आपके डिसीजन जो होते हैं वो मिनिस्टर पर डिपेंड करते हैं, और मिनिस्टर जो होंगे वो उतने ज़्यादा बिजी रहते हैं कि वो जल्दी से डिसीजन ना ले पाए। उसके बाद आता है लैक ऑफ मोटिवेशन। यहाँ पर इस टर्म में देख लें, क्योंकि यहाँ पर काम करने वाले जो एम्प्लॉय होते हैं वो एक तरीके से सिविल सर्वेंट ही होते हैं, और सिविल सर्वेंट का जो होता है वो प्रमोशन का तरीका जो होता है वो सीनियोरिटी के बेस पर होता है। ऐसा नहीं होता कि आपने काम, जैसे प्राइवेट सेक्टर में होता है कि आपने काम अच्छा करा तो आपको सीनियोरिटी ज्यादा दे दी, या प्रमोशन अच्छा दे दिया, या फिर आपको पेमेंट अच्छा कर दिया। यहाँ पर जो होगा कि सीनियोरिटी के बेस पर प्रमोशन है, तो आपको मालूम है कि आपके एफर्ट के बदले में रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, जैसे जैसे समय गुजरेगा आपका डेवलपमेंट अपने आप होना ही होना है, इसलिए वहां पर उतना ज्यादा मोटिवेशन नहीं रहता है। इसके बाद आता है लैक ऑफ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। अभी कहा है कि रेलवे इंडिया में रेलवे जो है वो अपने आप में बहुत बड़ी डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग है, उसका इतना रेवेन्यू जनरेट होता है, मगर फिर भी अगर आप सारा रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास जमा कर रहे हैं और आपको कोई डेवलपमेंट करना है तो आपके पास उतना पैसा नहीं होगा, आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, पैसा है भी तो भी आप परमिशन आपको गवर्नमेंट से लेनी पड़ेगी, तो यहाँ पर आपके पास फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं रहती। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपको बार बार कोई भी अगर डिसीजन लेना है या आपको पैसे का यूज करना है तो आपको पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, अपना पैसा अपन खुद ही यूज नहीं कर सकते बिना गवर्नमेंट की परमिशन के। अगला आता है इनिफिशियंट मैनेजमेंट। यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट के ऑफिसर्स रहते हैं वो, उनके पास पेपर वर्क इतना होगा, इतने सारे गवर्नमेंट के प्रोसेस उनको पूरी करनी होती है, उनके इतने सारे लीगल प्रोसेसेस काम पूरी करनी पड़ती है, तो ये जो होता है वो एक तरीके से इनफिशियंट मैनेजमेंट होगा, ठीक है।
क्यों? क्योंकि उनको सारे काम पूरे करने में वो ज्यादा व्यस्त रहते हैं, तो वो समय पर डिसीजन नहीं ले पाएंगे, और डिसीजन लेने के लिए भी उनकी डिपेंडेंसी जो होती है वो मिनिस्टर पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर मैनेजमेंट जो होगा गवर्नमेंट अंडरटेकिंग का उतना ज्यादा इफिशियंट नहीं होता है जितना कि प्राइवेट सेक्टर में होता है। नेपटेपिज्म, ब्यूरोक्रेसी, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है अंडरटेकिंग, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग की। नेपटेपिज्म और ब्यूरोक्रेसी से मतलब होता है कि यहाँ पर आपको जो भी, अगर आप एक प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है, हायरार्की फॉलो करनी पड़ती है कि आपका अगर कोई काम है तो आप पहले प्यून को बोलेंगे, प्यून जो होगा वो अपने बॉस को बोलेगा, और वो उसका जो बॉस होगा वो अपने इमीडिएट बॉस को बोलेगा। तो ये हायरार्की जो होती है वो फॉलो करनी पड़ती है, और उसमें काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। तो यहाँ पर रेड टेपिज्म और ब्यूरोक्रेसी ज़्यादा होती है। कोई भी आप डिसीजन अगर लेने जा रहे हैं तो वहाँ पर ये होगा कि आपको पूरी हायरार्की फॉलो करनी है, और जब तक आपके जो ऑफिसर्स हैं उनको आप सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे तब तक कोई डिसीजन नहीं हो पाते हैं। और फिर वहाँ पर पॉलिटिकल इंटरफेयर भी ज़्यादा होता है, जो कि एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है, और इसी कारण से डिसीजन उतने फास्ट नहीं हो पाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी कम रहती है, और बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ये भी एक इसका डीमेरिट है।